हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है बॉबिल केस से। धागा हमारी लूज आती है तो हमारा कपड़ा सिकुड़ता है स्टिचिंग करने के दौरान, उसे हम किस तरह ठीक करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, हम बॉबिल केस को ले लेंगे, चाहे मशीन छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी मशीन की बात हो। तो सबसे पहले हम बॉबिल केस को लेंगे और ये जो हम छोटी सी नट देख रहे हैं इसे हम टाइट कर लेंगे। अगर आपकी लूज़ है तो देखिए धागा बहुत आसानी से निकल रही है, तो ये लूज़ है, इसे हम सबसे पहले टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए ये टाइट हो चुकी है। देखिए अब मैं फिर से आपको निकाल कर दिखाती हूँ, देखिए धागा लूज़ नहीं है। फ्रेंड, नट को टाइट करने के बाद भी अगर हमारा धागा बहुत स्पीड से निकलता है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आज दूसरा तरीका बता रही हूँ। फ्रेंड, ये तो हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है फ्रेंड, मैं जो आपको अभी बताने जा रही हूँ। इस तरह से आप धागा को धीरे धीरे रोल करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इस जगह से हम धागा को फिर से डालेंगे और इस जगह हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए आप, रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके बाद फ्रेंड मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये तरीका फ्रेंड आप छोटी मशीन में भी अपना सकते हैं, बड़ी मशीन में भी अपना सकते हैं, या वो पीको मशीन हो उसमें भी आप इस तरीक़े को अपना सकते हैं। आइए मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। आइए सबसे पहले तो मैं बॉबिल केस को लगा देती हूँ। फ्रेंड देखिए, इस पे दो धागा से पहले से स्टिचिंग की हुई है, मैं आपको तीसरा स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, स्टिचिंग के दौरान ये कहीं भी कपड़ा सिकुड़ी नहीं है। इस तरह से फ्रेंड आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को खुद से घर में सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।